अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सॉरी टू से क्योंकि मेरा व्लॉग 3-4 दिन से नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम था। व्लॉग बनाते बैठी तो यहाँ का काम ऐसे ही ठहर जाता था, क्योंकि यहाँ का जो भी है मुझे पता है। यहाँ का अम्मी जो बहन आए उनको ज़्यादा वो सामान का कुछ भी पता नहीं था, तो हर एक चीज़ में मुझे जाते रहना था, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बनाई। तो ये है आहिल के हकीके दिन का प्रोग्राम का जो भी हो रहा है वो मैं वीडियो शूट करके दिखा रही हूँ। तो जी सुबह सुबह में आहिल का मैं पहले दिखाई आपको हार, क्योंकि वही हार उसको पहनाना है अभी हकीके में। तो उसे हम पानी नहलाए थे और जो भी अम्मी के घर से जो जो आता है वो हार आया है, और ये जो मैं चूड़ी पहन रही हूँ ना वो भी आए थे मेरे लिए। तो देख लीजिए मैं चूड़ी भी पहन रही हूँ, जो पहले वाले चूड़ी थे वो निकालना पड़ता है, और ये नए वाले चूड़ी अम्मी जो लाती है ना वो पहनना पड़ता है। तो ये है मेरे तैमा, चूड़ी पहनाते हैं वो हर एक लेके घर घर जाके, उनका काम वही है। तो जी ये है मेरे बड़े अब्बा की बीवी। तो इनसे पूछी तो हाँ मैं तेरे व्लॉग में आना चाहती हूँ बोले, तो मैं उनको ले ली। तो मेरे चूड़ियाँ कैसे लगी आपको ज़रूर बताना। तो यहाँ का रूल्स ऐसा है कि शादी के दिन, लड़के के शादी के दिन और हकीके के दिन, सभी हमारे ख़ानदान में जो भी हो औरतें हैं उनको सभी को चूड़ी पहनाना है, ऐसा रिवाज इधर का है। तो 32 डज़न इतने बंगड़ी हम पहनाए थे, मेरी दीदी को नहीं पहनाई, वही पूछ रही थी मैं भी वही उसको नहीं पहनाई, तो पहनाएंगे सभी को पहनाए बंगड़ी सभी। अभी दिखाऊंगी आपको हम किस किस को बंगड़ी चूड़ियाँ पहनाए, हाँ चूड़ियाँ पहनाए। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप अभी दिखाऊंगी मैं मेरे हाथ में चूड़ियाँ कैसे लग रहे थे, तो ऐसे ही बने रहना मेरे व्लॉग में। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जी देख लिया आप मैं चूड़ी कैसे पहनी हूँ, ग्रीन कलर के हैं। तो मेहंदी गेंदी लगी है, दुल्हन की तरह सजना पड़ता है इसमें। मुझे पता नहीं था कि इसमें सेहरा भी डालना पड़ता है, तो अम्मी नहीं लेके आए थे सेहरा, उनको पता नहीं था, हार एक लेके आए थे। तो फिर फटक से जाके सेहरा भी लेके आए, तो वो भी देखते रहना। और मेरी मेहंदी कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, और मेरा ड्रेस कैसा लगा वो भी बताना। ड्रेस दीदी लेके आई थी मेरी अपने दिल से अपने खुशी से, ड्रेस का कलर भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, वो भी बताना। तो आगे का प्रोग्राम का भी मैं बताऊंगी हकीके कैसा कैसा करे हैं, क्या क्या बनाए थे, क्या क्या नहीं बोल के। आप ज़रूर मेरा व्लॉग देखते रहना। तो यहाँ पे मेरी चूड़ियाँ पहन के ख़त्म हो गया। तो मेरी चूड़ी पहनने के बाद सभी की बारी, एक एक लंग की बारी रहती है यहाँ। तो ये हमारी अम्मा मेरी सासू माँ को पहना रहे थे, जो उनका भी सेकंड नंबर था, क्योंकि वो बंगड़ी जो भी हो उसे निकालना पड़ता है, निकाल के नई बंगड़ी पहनना पड़ता है। तो देख लीजिए ये है मेरी अम्मा। तो ये सभी इनको और इनके बहन को सभी को भी हम चूड़ियाँ पहनाए। तो देख लीजिए आगे, तो देख लीजिए यहाँ पे अम्मा भी बंगड़ी पहन के हो गया था। तो मेरे भाई का लड़का भी देखो कितने अच्छे से माशाल्लाह कितना अच्छे से तैयार हुआ था, तो वही सबसे अच्छा लग रहा था, मेरे बेटे से ज़्यादा वही अच्छा लग रहा था। तो अम्मा की भी चूड़ियाँ निकाल के हो गया, तो नई चूड़ियाँ डाल रहे थे, इसीलिए मैं जो जो रेडी होके आए थे ना सभी का व्लॉग बना रही थी। तो ये है इसका नाम अरफान, और ये है, ये हस्पेट से आई थी, तो इसका नाम है अर्शिया, तो इसी का भी व्लॉग बनाई। तो बच्चे एक एक रेडी हो रहे थे, तो कौन कौन रेडी हो क्या रहे थे उनका व्लॉग बनाई, थोड़ा बहुत ही शूट करी मैं, ज़्यादा शूट करने को नहीं हुआ क्योंकि हमें काम था। तो
अभी बताऊंगी मैं, हमारे ओनर जो हस्बैंड से आए थे उनको भी चूड़ियाँ पहनाई थी, देख लीजिए ऐसे कलर के पहने थे वो, तो उनका फेस नहीं दिखाऊंगी, तो वो सिर्फ हाथ ही दिखा रहे थे। जो आना चाहता है व्लॉग में उनको मैं दिखाऊंगी, जो नहीं आना चाहते उनको नहीं दिखाऊंगी। ये है हमारे ओनर की अम्मी, वो भी बंगड़ी, वो भी चूड़ियाँ पहन रहे थे, तो उनको भी पहनाए, हर एक लेंग को पहनाए। कितना हुआ बोली मैं, 32 डजन इतना हुआ था चूड़ियों का। तो बच्चों के लिए ग्रीन लाए थे, उनकी चॉइस, कौन कौन सा पहनता है, देखो माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे थे बच्चों के हाथ में, सभी को भी पहनाए दो दो डजन करके। तो अभी ये बैठी थी मेरी भाई की लड़की, ये भी पहन रही थी। हाँ, का रिवाज ही ऐसा है कि चूड़ियों से शुरुआत करते हैं, जो भी अच्छा फंक्शन बनता है ना घर में, ऐसा चूड़ियों से शुरुआत करते हैं तो अच्छा मानते हैं। तो हर एक बच्ची को, लड़की है, औरतों को, बूढ़ों को, हर एक को भी चूड़ी से शुरुआत करे हैं चूड़ी पहनाने में। तो मुझे तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, आगे का भी दिखाऊंगी प्रोग्राम का, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे व्लॉग को आप लोग सभी लोग देखते हो, ऐसे ही इस व्लॉग को भी अच्छे से देखना और लाइक सब्सक्राइब करते रहना। तो ये है मेरे हाथ जो मेहंदी से रंगे थे, मेरी मेहंदी देख लीजिए कितना अच्छा रंगी है। तो वही मैं बता रही थी, स्लो में निकाल रही थी, तो चूड़ी पहनने के बाद में ये निकाली थी मैं। मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा आया था, तो देख लीजिए जी। मेरा व्लॉग यहीं तक का है, कल एक अच्छे से व्लॉग में आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और अपना, अपने घर में जितने भी हैं उनका ख्याल।